हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, कोल गैसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, कोयला गैसीकरण। हाल ही में ये खबर आई है कि इंडिया हैज डिसाइडेड दैट इट इज गोइंग टू रिवैम्प इट्स कोल गैसिफिकेशन टारगेट। इंडिया ने ये कहा है कि हम 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन का उनका टारगेट रहेगा, 2030 तक इसको अचीव करना है। ये कहा गया है कोयला मंत्री जो है प्रहलाद जोशी, उनका एक स्टेटमेंट आया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कोयला गैसीकरण होता क्या है, इससे हमें क्या इवेंचुअली मिलता है, इसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, और इवेंचुअली देखेंगे कुछ डेवलपमेंट्स जो हमारे देश में अभी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आई डीज, राहुल साई 222, दैट्स माई आई डी। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे मैं हर दिन एमसीक्यूज पोस्ट करता हूं। यहां पे आपको मेरे वीडियोस के अपडेट मिल जाएंगे और उसके पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद इट, स्टडी आईक्यू हैज ब्रॉट प्रीलिम्स एंड मेंस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यू फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में एक वेबिनार हुआ जहां पे कोल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने यह कहा कि कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफैक्शन इज नो मोर आर एस्पिरेशन। मतलब हमारी ये बेसिक रिक्वायरमेंट बन जाएगी कोल गैसिफिकेशन करना। इस वेबिनार में यह कहा गया कि गवर्नमेंट का ये एम है कि 100 मिलियन टन्स कोल गैसिफिकेशन करेंगे 2030 तक, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेंगे करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए के। और इस वेबिनार ने बेसिकली एक वे फॉरवर्ड दिया हुआ है, एक रोड मैप दिया है किस तरह हम इसको अचीव करेंगे। इस वेबिनार को लगभग 7,000 डेलीगेट्स थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेलीगेट्स थे, कोल इंडिया के डेलीगेट्स थे, कोल सेक्टर के डेलीगेट्स थे, इन लोगों ने अटेंड किया था, जहां पे एक रोड मैप दिया गया इंडिया के लिए किस तरह हम लोग कोल गैसिफिकेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली कोल गैसिफिकेशन होता क्या है। कोयला तो आपको पता है, कोयला इज बेसिकली अ फ्यूल जो हम लोग यूज करते हैं अपने थर्मल पावर प्लांट्स में एनर्जी के लिए। पहले स्टीम इंजन वगैरह में यूज होता था। तो कोल इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगर आप कोल जलाओ तो रेसिड्यू आएगा, बहुत सारा धुआं निकलेगा, उससे पोल्यूशन होता है एटसेट्रा, उसकी काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है जहां पे आप कोयले से एक सिन गैस बनाएंगे। सिन गैस, SYN, इट इज सिंथेटिक गैस। सिन गैस इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है वो मेन सोर्स होगा आपका फ्यूल। उसके अलावा बाय प्रोडक्ट है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। आप क्या करते हो इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में आप कोयला लोगे, ऑक्सीजन लोगे, एंड देर वुड बी वाटर, एंड एवरीथिंग इज बर्नड इन अ कंट्रोल्ड मैनर। एक कंट्रोल्ड मैनर में उसको बर्न करेंगे, एग्जॉस्ट गैसेस को फिल्टर करेंगे, तो पोल्यूशन हम लोग कम करेंगे। यस, रेसिड्यू काफी बच जाएगा, रेसिड्यू चार काफी बच जाएगा। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हम उसको बर्न करेंगे, हाई प्रेशर में बर्न करेंगे, मोर देन 30 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा 725 से लेकर 1200 डिग्री के बीच, और एक करोजिव स्लैग जो बेसिकली एंड में चार डेवलप होगा, उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड भी डेवलप होगा। तो सिन गैस जब आएगा, सिन गैस को हम लोग क्लीन कर लेते हैं, और उसमें से स्पेसिफिकली हाइड्रोजन वुड बी आर बेसिक सोर्स ऑफ फ्यूल। और हाइड्रोजन हम जानते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा कंबस्टेबल है, इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरी वेरी एफिशिएंट फ्यूल। हाइड्रोजन से क्या बाय प्रोडक्ट निकलेगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, नहीं। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, नहीं। हाइड्रोजन से केवल एनर्जी एंड वाटर वुड बी वन ऑफ द रेसिड्यूज। तो ये तो हो गया हाउ वी प्रोड्यूस दिस सिन गैस। चलिए देखते हैं कि मेरिट्स क्या है कोल गैसिफिकेशन के। जैसे मैंने आपको बताया, डीमेरिट्स कोल के तो बहुत है। प्रॉब्लम यह है कि कोल से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इट इज नॉट अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो एक सबसे बड़ा मेरिट जो है कोल गैसिफिकेशन का, वो है क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप देखो क्या आ रहा है सिन गैस से, मेन सोर्स इज हाइड्रोजन, विच इज अ वेरी वेरी क्लीन सोर्स। और आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि यूसीजी, मतलब अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कर रहे हैं, जहां पे आप कोयला खनन करते हो वहीं पे आप गैसिफाई भी कर सकते हो, गैसिफायर प्लांट लगाया जा सकता है एटसेट्रा। तो इससे पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी नहीं हो जाएगी, मतलब कोल माइनिंग की वजह से जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम आती है उसको भी रोकने के लिए आजकल सॉल्यूशंस ढूंढने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे गैस ट्रांसपोर्ट, सिन गैस को ट्रांसपोर्ट करना है, इट वुड बी मोर एफिशिएंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा,
अगर आप एक बार पाइपलाइन बना दोगे तो खत्म है, दैट पाइपलाइन वुड बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गैस फॉरएवर। उसके अलावा अगर आप देखोगे बेटर एफिशिएंसी रहेगी, किसकी बेटर एफिशिएंसी रहेगी, गैस बर्निंग की रादर देन कोल बर्निंग, ज्यादा पावर आएगा, हाइड्रोजन इज अ मच बेटर फ्यूल देन द नॉर्मल कोल इटसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट सिनगैस को हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, सिनगैस के जो केमिकल्स हैं हम उसको यूज कर सकते हैं अमोनिया बनाने के लिए, इनफैक्ट जो हाइड्रोजन हम यूज कर रहे हैं फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन इकोनॉमी हम लोग बना सकते हैं। साथ ही साथ सिनगैस को और भी चीजों के लिए इस्तेमाल किया सकते हैं, फ्रॉम सिनगैस वी कैन मेक नेचुरल गैस, वी कैन मेक फ्यूल, वी कैन यूज सिनगैस इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिया ऑल्सो, उसके अलावा वी कैन यूज इट इन प्रोडक्शन ऑफ अदर केमिकल्स एज वेल एज फर्टिलाइजर्स। तो ये तो होगी मेरिट्स, मेरिट्स तो हम लोगों ने जानी है बहुत ज्यादा। इनफैक्ट एक सबसे बड़ा मेरिट ये होगा इससे कि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हम लोगों ने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट साइन किया हुआ है 2015 में, उसके तहत हमारे कुछ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है कि हम लोग इतना CO2 एमिशन कट करेंगे। तो अगर हम सिनगैस यूज करेंगे, अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल यूज करेंगे तो CO2 कट बिल्कुल करेंगे, तो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को भी ये सेटिस्फाई करवा देगा। लेकिन इसके बहुत ज्यादा डीमेरिट्स भी है। सबसे बड़ा डीमेरिट तो ये है कि मनी वाइज मैंने कहा आपको कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा पाइपलाइन के लिए, प्लांट के लिए एटसेट्रा, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा कोल गैसिफिकेशन बहुत ही ज्यादा वाटर इंटेंसिव है, पानी बहुत ज्यादा लगता है, जैसे पानी इज एन इनपुट सोर्स इटसेल्फ, इनपुट सोर्स तो है लेकिन जो करोजिव स्लरी बनती है, जो स्लैग बनता है, जो वेस्ट है, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो वाटर आप यूज कर रहे हो वही स्लरी बन के आ रहा है और लेटर ऑन कंटेमिनेशन कर सकता है, और जो वो वाटर आएगा उसको आप डिस्पोज ऑफ कैसे करोगे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ह्यूज प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू कोल गैसिफिकेशन। एंड अलॉन्ग विथ इट अगर हम लोग अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो उसके साथ तो खतरे रहेंगे ही, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा सब्सिडेंस का, मतलब अगर आपने खनन के लिए माइन बनाई है तो माइन कोलैप्स होने के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर माइन कोलैप्स हो रहे हैं, आप प्लांट बना रहे हो जहां पे आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो, सो रिमेंबर इफ इट कोलैप्सेस व्हाट काइंड ऑफ अ एक्सप्लोजन इट विल बी, इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक। तो सेफ्टी मेजर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है इंडियन कोल के साथ, वो है हाई ऐश कंटेंट। इंडिया में बहुत ही ज्यादा ऐश कंटेंट आता है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। इनफैक्ट जितने भी हमारे पहले कोल गैसिफिकेशन हम लोगों ने प्लांट ओपन किए हैं, हाई ऐश कंटेंट की वजह से उनका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो काफी हद तक कम हो गया है। उसके अलावा अगर हम देखें क्या हमारे पास कोई कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स हैं अभी तक, इसका जवाब है हाँ। इनफैक्ट हम लोगों ने काफी सारे कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स बनाए थे, एक बनाया था रामागुंडम में, एक बनाया था सिंदरी में, एक बनाया था तलचेर में, लेकिन हाई ऐश कंटेंट की वजह से उनका ज्यादा कमर्शियल सक्सेस नहीं निकला था। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं पिछले एक दशक में कोल गैसिफिकेशन के साथ काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, तो हम लोग हाई ऐश कंटेंट को थोड़ा सा केटर करके उसको ऑपरेशनल एफिशिएंट बना रहे हैं। आजकल हम लोग देख सकते हैं कि हाल ही में JSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने एक कोल गैसिफिकेशन प्लांट सेटअप किया है अंगुल ओडिशा में। उसके अलावा कोल इंडिया, गेल, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कोलैबोरेशन में मिलकर एक नया कोल गैसिफिकेशन कम फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स सेटअप किया है तलचेर में। तो हमारे पास ऑलरेडी कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स है ऑपरेशनल, और आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट इनिशियल ज्यादा है लेकिन इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट विच इज गोइंग टू गिव यू क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे सरकार इसके लिए क्या कर रही है, अभी तो हम लोगों ने ये कहा है 100 मिलियन टन बनाएंगे 2030 तक, तो उसके लिए सरकार ने 20% रेवेन्यू शेयर कंसेशन दिया हुआ है। जो भी कोल गैसिफिकेशन के लिए जाएगा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में जाएगा तो उनको 20% ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट से, अपनी कट करके, गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू कट करके उनको दे रहा है। साथ ही साथ कोल इंडिया ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट ये किया है कि कम से कम 3 गैसिफिकेशन सेंटर्स, कोल गैसिफिकेशन सेंटर्स ओपन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बिल्ड ओन ऑपरेट, मतलब टेंडर देंगे, आप बनाइए, आप ओन कीजिए, आप ऑपरेट कीजिए, फिर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा नीति आयोग ने भी एक टेक्निकल कमिटी सेटअप की है जहां पे डिस्कशन चल रहा है कि हम लोग एक अच्छा साउंड रोड मैप दे कोल गैसिफिकेशन का इंडिया के लिए। तो आसार कुछ अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हो कि शुरुआत हो चुकी है कोल गैसिफिकेशन की, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ मूव होंगे,
सोलार एनर्जी के ऊपर फोकस है, विंड एनर्जी के ऊपर फोकस है, अभी कोल गैसिफिकेशन के ऊपर फोकस हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन एज एन एनर्जी सोर्स उसके ऊपर फोकस चल रहा है। तो अगर हम लोग देखें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो आप देख सकते हो कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे कोल गैसिफिकेशन के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम कोल बेस्ड प्लांट्स इटसेल्फ। तो आप देख सकते हो कोल गैसिफिकेशन का जो प्लांट प्रोजेक्ट है, जो कंस्ट्रक्शन में है, जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग में है, आप देख सकते हो सबसे ज्यादा है एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया में, मतलब ऑस्ट्रेलिया ओशियाना रीजन में। इस रीजन में सबसे ज्यादा कैपेसिटी है सिन गैस प्रोडक्शन की, और आप गेस कर सकते हो, बताइए मुझे कौन सी कंट्री है जिसका सबसे ज्यादा कैपेसिटी है कोल गैसिफिकेशन का। मुझे लगता नहीं कि स्टूडेंट्स को ज्यादा टफ होगा ये आंसर करना, इट्स अ वेरी वेरी इजी आंसर। सो इंटरनेशनली क्या होता है, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया जोन में बहुत ज्यादा कोल गैसिफिकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि वी डू हैव कोल सोर्सेज, बट टुवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज दे आर नॉट फोकसिंग मोर। और हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि आगे चलकर अफ्रीका में भी कोल गैसिफिकेशन बढ़ सकता है इन फ्यूचर। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डिस्कशन ऑन कोल गैसिफिकेशन। आई होप इट वाज इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।